हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर एक वायर में करंट फ्लो होता है और उस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट एम्पियर ने इस बात को बताया। इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में ये एक वायर लगा हुआ है जिसको हमने स्टैंड पर दूसरे वायर से बांधकर लटकाया हुआ है। इस वायर को हमने एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर एक की लगाई हुई है। सेल में करंट की डायरेक्शन एरो से बता रखी है। जब इस वायर में करंट फ्लो होगा और ये वायर मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें देखना यह है अगर इस तरह का सेटअप लगाया जाए और करंट को ऑन किया जाए तो इस वायर पर फोर्स लगना चाहिए। फोर्स लगेगा तो वायर में एक डिफ्लेक्शन पैदा होगा। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देख सकते हैं एक बैटरी एलिमिनेटर है, एक कनेक्टिंग वायर है, एक वायर का फ्रेम हमने बना के बीच में लगाया हुआ है, फिर दूसरा कनेक्टिंग वायर है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, एक बॉटल का कैप हमने लिया हुआ है मैग्नेट को सेट करने के लिए, और एक स्टैंड है जिस पर हमने ये सारा सेटअप लगाया हुआ है। इस सेटअप से ही हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। आप इसमें दो वायर देख रहे हैं। इन दोनों वायर को बनाने के लिए हमने इस तरह का एक सिंपल वायर लिया, इसको हमने छीला और इसको हमने सीधा कर लिया स्ट्रेट, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो इस वायर में पड़े हुए रिंकल की वजह से ये सीधा नहीं रह पाता है, तो हमने इसको वायर के सीधा किया। सीधा करने के बाद हमने इन दो वायर्स के मदद से नीचे वायर का एक टुकड़ा हमने इसमें फंसा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मोड़कर हमने लगाया हुआ है। इस वायर का कनेक्शन बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कर रखा है, तो ये जो काला नॉब है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने वायर की मदद से इसी वायर के दूसरे वाले टर्मिनल से किया हुआ है। बैटरी एलिमिनेटर ऑन करने पर इस झूले वाले वायर में करंट फ्लो होगा। इस मैग्नेट को देखते हैं। इस मैग्नेट को हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा और हमारा ये लटकता हुआ वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर इस वायर में करंट फ्लो होगा और हमें ये देखना है कि करंट फ्लो होने वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पर फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स लगेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए। स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करता हूं, फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं। अभी हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर फोर्स काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं। फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने का जो रूल है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने यहाँ देखा हमारे पास तीन पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है फोर्स, दूसरा पैरामीटर है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा पैरामीटर है करंट। थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, इंडिकेटर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को, और फोर्स पता लगाने के लिए हमें अपने हाथ की इन फिंगर्स की पोजीशन को इसी तरह से रखना है, तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। थंब फोर्स की डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर, मिडिल फिंगर करंट। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जो हमारी मिडिल फिंगर के अलोंग रखा हुआ है
और करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर की तरफ है, मींस मेरी तरफ से आपकी तरफ है, यानी बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है कि हमारी इंडिकेटर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो थंब की डायरेक्शन में लगेगा, ये वायर डिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। हम इसी डेमोंस्ट्रेशन को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में करके देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से काम करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए हम अपने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर दोबारा आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी, वायर में करंट की डायरेक्शन होगी पीछे वाले टर्मिनल से लेकर आगे वाले टर्मिनल की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस सेटअप को बना के देखते हैं, करंट की डायरेक्शन है पीछे से आगे की ओर, दिस इज करंट, डायरेक्शन होनी चाहिए पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, मींस ऊपर से नीचे की तरफ, तो इंडिकेटर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ। इस सेटअप के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम इस सेटअप में स्विच ऑन करेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वायर में डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। एक बार ऑन करके देखते हैं। ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। तो हम देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन बताने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें, चेंज करने के लिए हम इस मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं डिफ्लेक्शन किस तरफ आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ, इस तरह से, और फोर्स की डायरेक्शन अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है और थंब की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है। मींस अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। चेक करते हैं। हम देख सकते हैं वायर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आया। एक बार फिर से चेक करते हैं। तो ये था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन। आज आपने देखा कि किस तरह से एक करंट कैरिंग वायर को फील्ड में रखने पर उस पर फोर्स लगता है, और हम फोर्स की डायरेक्शन भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद है अगली बार कोई क्वेश्चन करते समय या किसी एक्सपेरिमेंट में अगर कहीं ऐसा फोर्स लगा तो आप उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अवश्य पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक डू इट योरसेल्फ।